आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। रस सिद्धि गृह संत नित्य लीन भाई की हनुमान प्रसाद पोदार की पद तपोभूमि गीता वाटिका स्थित भाई जी के 130वें जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए गीता वाटिका पहुंचे। मुख्यमंत्री चल रहे विकास कार्य व कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में व्यापारी रत्न समारोह का आयोजन किया गया। इसी समारोह का उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया। साथ ही इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम बिजस पाठक उपस्थित रहे। बता दें कि इस दौरान प्राइम टीवी से उन्होंने खास मुलाकात करी। हमारे साथ मौजूद है सूबे के उप मुख्यमंत्री विदेश पाठक जी। सर, आज यहाँ व्यापारियों के आप सम्मान समारोह में आए थे, तमाम उनकी तरफ से अपनी चीजें बताई गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? व्यापारियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उनकी जो भी दिक्कतें उनको दूर करने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। सर, आज देश में 13 राज्यों में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, संगठन है, उस पर कार्रवाई की है PFI पे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं जो भी असामाजिक संगठन हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेंगे। जी शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारे साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि व्यापारियों को समस्या में पे ध्यान दिया जाएगा। साथ ही PFI पर दिए उन्हें बयानों ने साफ तौर पे कहा कि देश में जो भी अनैतिक करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। आजादी के 75वें वर्ष बाद देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल आया है, जहां यूपी विधानसभा में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने के साथ ही विधायक और विधान परिषद सदस्य के लिए महिला सत्र रखा गया। इस दौरान सभी महिला विधायकों को सदन के सामने अपनी बात और मुद्दे रखने का समय दिया जाएगा। आपको बता दें कि महिला सत्र की शुरू होने पर सभी विधायकों में अलग उत्साह देखने को मिला। सभी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए उठाए गए इस बेहतरीन पहल पर अपनी सहमति भी जताई। देश और यूपी विधानसभा के इतिहास में आज वो एक सुनहरा दिन है, जब इस दिन को महिला सत्र के रूप में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं विधानसभा के बाहर हूँ और इस वक्त महिला सत्र यहाँ पर चल रहा है। कुल 47 विधायक हैं और साथ ही 8 विधान परिषद सदस्य हैं। आज उन्हें पूरी तरह से बोलने का मौका दिया जाएगा और उनकी आवाज़ को उठाने का अवसर भी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर महिलाएं आज काफ़ी उत्साहित दिखीं। और साथ ही आपको बता दूं कि लगभग 150 से अधिक महिलाओं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और टीचर हैं, इनको भी आमंत्रित किया गया है। ये 4 दर्शक दीर्घा में बैठकर जो विधायक हैं, जो 47 विधायक हैं और 8 विधान परिषद सदस्य हैं, उनकी बातें सुनेंगी। और साथ साथ CM योगी समेत तमाम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, सतीश महाना, उनका एक साफ साफ संदेश है कि आज केवल महिलाओं को बोलने दिया जाए और पुरुष विधायक केवल शांत होकर उनकी बातें सुने। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर CM योगी ने भी चुटकी ली, क्योंकि अगर कोई गलतियां होती हैं तो पुरुष उस चीज़ को शांत रहकर भी सुन सकते हैं। हालांकि ये तो विधानसभा की बात है, नेताओं की बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज विधानसभा के इतिहास में वो पल दर्ज हो गया है जो शायद इस देश में आज़ादी के बाद से हुआ हो। आज महिला सत्र बनाया जा रहा है, महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, जो उनके अंदर एक संकोच हुआ करता था उन सब चीज़ों को दूर किया जा रहा है। और महिलाओं की आवाज़ कभी कभी ऐसा हुआ करती थी कि पुरुष विधायकों के आगे दब जाती थी, लेकिन उनकी आवाज़ को आज बल दिया जा रहा है, उन्हें पूरा बोलने का मौका दिया जा रहा है। और जब तक सदन चलेगा, महिला विधायक को 3 से लेकर 8 मिनट तक अपनी बातें रखने का मौका भी मिलेगा। और दूसरी बात आपको बता दूँ कि जो महिला आरक्षण की बात है, 33% आरक्षण की बात थी, इसका बिल राज्यसभा में 25 साल पहले पास हुआ था, लेकिन अब तक वो शायद लटका हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भी आधी आबादी आज बात करेगी। महिलाएं अपने विधेयक से लेकर अपने अधिकारों की बात करेंगी, मिशन शक्ति की बात करेंगी,
महिला सुरक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तमाम वो चीज़ें आज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि आज यूपी विधानसभा का वो इतिहास आज दर्ज हो चुका है और एक इतिहास का पन्ना एक बेहतर रूप ले चुका है, क्योंकि आज महिला सत्र मनाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ स्वागत पा प्राइम टीवी लखनऊ। यूपी में लंपी वायरस का कहर जारी है। वहीं सांसद मेनका गांधी ने वीडियो जारी कर अपील की कि उन्होंने कहा कि लंपी वायरस से प्रभावित गाय का दूध ना पिए और ना ही मिठाई खाएं। साथ ही मेनका गांधी ने डेयरी संचालकों को हिदायत दी कि इस रोग से प्रभावित गाय का दूध बिक्री ना करें। बता दें कि गाय नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सांसद मेनका गांधी ने वीडियो जारी किया है। हजारों हजारों गाय भैंस मर चुके हैं, ये फोड़े बनते हैं शरीर पर, फोड़े फट जाते हैं, उससे खून निकलता है, उससे बुखार हो जाता है, गाय चलते चलते गिर जाती है। बहुत सारे गाय मरे भी हैं, बहुत सारे गाय भैंस को डेयरी वालों ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। इस वक्त हमें पता चला है कि बहुत सारे प्रदेशों में लंपी स्किन डिजीज़ होने के बावजूद भी ये डेयरी वाले अभी भी उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं। ये मिठाइयों की दुकानों में जा रहा है और अन्य जगह जा रहा है जहाँ आप दूध पीते हैं या उसकी दही खरीदते हैं। कृपया करके ये समय दूध, दही, मिठाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या। लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन संविधान दिवस का आयोजन किया गया। संविधान दिवस में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन सामान की समस्याओं को सुना और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए। उपाध्यक्ष ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार आकर विभिन्न पटलों पर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक व शारीरिक परेशानियाँ होती हैं। इसके लिए प्रत्येक माह के चतुर्थ बृहस्पतिवार को इस विशेष शिविर का व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांगजन और वरिष्ठ जनों के लिए विशेष एक हम जन सुनवाई शिविर लगाते हैं और उसमें अब तक 11 शिकायतें आई हैं, उनमें से मौके पे 3 का निस्तारण हुआ है। शेष के लिए मौके पे लोगों को भेजा गया है, विद इन वीक उनका निस्तारण किया है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 26 सितंबर को पूरे प्रदेश में सावधान यात्रा कर रहे हैं आयोजन। वहीं इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक झंडा बनाने में जुट गए। रायबरेली में बैंक के पैसे निकालकर घर जा रहे युवक से 2 अज्ञात चोरों ने पैसे छीनकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मामले पर कोतवाल ने बताया कि पीड़ित का प्रार्थना पत्र मिला है, जिसके बाद से चोरों की तलाश जारी है। हमारा भाई जिला सहकारी बैंक से पैसा निकालने आया था 50,000। पैसा निकाल के दुकान की तरफ जा रहा था, तभी जो है उसको जो है चबूतरे के आड़ में कुछ लोग बताए कि सब्जी एक बेच रहा था, उसके बगल बताते रहे, फिर दुकान के सामने दुकान पर गया बतलाते थे किस समय उससे पैसे ले लिए या कोई चीज़ जहरीला वो केमिकल छिड़क दिए, थोड़ी अचेत हुआ या क्या हुआ ये भी नहीं पता, लेकिन उसके जेब में पैसा निकाले और कागज़ की गड्डी भर दिए रुमाल लपेट कर। अब कैसे निकाले ये चीज़ नहीं पता। बैंक गए तो वहाँ 50,000 रुपये निकाला तो बाहर आए 2 लोग मिल गए, फिर उन्होंने पता पूछा, फिर पीछे पीछे लग गया, फिर पैसा कागज गड्डी थमा। कहाँ पे मिले और क्या पता पूछा आपसे? बस स्टाफ पूछा उन्होंने, उसके बाद हम कहा उधर है तो कैंटी चौराहा के दाम का आगे, तो हमारे पीछे पीछे लग गए 2 लोग। फिर उसके बाद जो है आए, हमको कागज गड्डी थमा दिए, पता नहीं क्या छिड़क के, और जब से पैसा निकाल लिया उसमें कागज गड्डी भर दिया रुमाल में लपेट के। औरैया जनपद की एसओजी टीम ने खुलासा किया है, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में ज़मीन जाने वाले युवकों को मुआवजा तो मिला लेकिन उनके खाते में रकम गायब है, जिसके बाद अब जांच शुरू हो गई है। तो मामले का खुलासा हुआ कि कैसे एक सेंट्रल बैंक में काम करने वाले कर्मचारी और बैंक में काम कर रहे अन्य लोगों को मदद से एक युवक के खाते से करीब 6 लाख रुपये को साफ कर दिया गया। वहीं पुलिस ने बैंक कर्मी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
खबर हरदोई से, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसान राम सिंह निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्धारित लागत के आधार पर अनुदान भुगतान किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान बावन रोड हरदोई प्रशिक्षण कार्य का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा भी लिया। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में बैडमिंटन हॉल में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जनपद के समस्त थाना सर्किल पर नियुक्ति महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गोष्ठी कर कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारे पूरे जनपद में मिशन शक्ति के अंतर्गत जो हमारी महिला कर्मी कार्यरत हैं, आज उनको फिर से प्रशिक्षित करने के लिए और उनको नए जो अपेक्षाएं हैं शासन की उसके बाबत अवगत कराने के लिए कि किस प्रकार से महिला बीट आरक्षियों को अपनी बीट पर जाना है, वहाँ पर जन चौपाल आयोजित, महिलाओं की चौपाल आयोजित करनी है, उनको शासन की कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराना ताकि उनको जानकारी हो सके कि शासन के द्वारा उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए कौन कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। और इसके साथ ही उनको और जो बहुत से विधान हैं, नए कानून हैं, उनके बाबत जो नए परिपत्र हैं उनके बाबत जानकारी दी गई और हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छे से इसमें योगदान दिया है, शिरकत की है। अयोध्या में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और सपा विधायक अभय सिंह पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता इंद्र प्रताप सिंह तिवारी ने मुख्तार गैंग के अयोध्या कनेक्शन का खुलासा किया। वहीं भाजपा नेता इंद्र प्रताप तिवारी ने अपनी और अपने परिवार पर अभय सिंह से जान का खतरा भी बताया। साथ ही इंद्र प्रताप तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर SIT की जाँच करवाने की मांग भी की है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी हो, जो मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य हो, जिसका काला इतिहास हो, वो व्यक्ति बहुत ही हास्यास्पद है। वो व्यक्ति हमारे द्वारा हत्या की बात कर रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की SIT जाँच हो और SIT जाँच इस बात की भी होनी चाहिए कि 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की उस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड 9वें स्थान के साथ ए ग्रेड दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आपको बता दें इस समय देश में कुल 33 राज्य सरकारी बैंक सक्रिय हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को 9वें स्थान के साथ ए ग्रेड मिला है। यूपी के सहकारिता मंत्री के मुताबिक आने वाले समय में कॉरपोरेटिव बैंक और बेहतर काम करेगा। वहीं इस मौके पर सहकारिता से जुड़े अधिकारियों ने ए रेटिंग मिलने पर सहकारिता मंत्री को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में मिलकर गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। अभी पिछले दिनों में नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को ए कैटेगरी में ग्रेडेड किया गया है, जिसके कारण हम 9वें स्थान पर पूरे देश में आए हैं। पूरे देश में राज्य सहकारी बैंक 33 हैं, उसमें से 9वें स्थान पर हमारा बैंक आ गया है और ए कैटेगरी में होने की वजह से कई प्रकार के आयामों में वृद्धि हो रही है। प्रयागराज में सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि खोए हुए और छीने गए 135 मोबाइल टीम ने बरामद किए हैं। इसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए है। साथ ही SSP ने बताया कि प्रार्थना पथ पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन का अभियान चलाकर बरामदगी की गई है, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल फोन स्वामियों को जानकारी दी। वहीं इस कार्य के लिए सर्विलांस टीम को 10,000 रुपये देकर पुरस्कृत भी किया गया। जी, मेरा मोबाइल खोया था 30 मई को सुबह 7:59 पे एग्जैक्टली, और हम अपने मतलब जॉब से वापस आ रहे थे, तब खो गया था स्टेशन पे, और वो मतलब वहाँ वाले स्टेशन है जो रोशनबाग का मेन स्टेशन है, 1 नंबर, और अब मुझे मिला है इतने महीने बाद तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। SP क्राइम साहब के नेतृत्व में जो हमारी सर्विलांस टीम है, उसने सराहनीय कार्य करते हुए
विभिन्न लोगों के जो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गए कहीं छूट गए ऐसे मोबाइल फ़ोनों की तलाश करके आज कुल 135 मोबाइल इन्होंने बरामद किए हैं जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। सभी स्मार्टफोन्स हैं। आज उनके जो ओनर्स हैं उनको बुला के आज यहाँ पे सुपुर्द किया जा रहा है। संभल में ग्राम उम्मीदपुर की महिलाओं ने गंदगी से नाराज और खरंजा ना होने के संबंध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महिलाओं ने प्रधान पर आरोप लगाया है कि गांव में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, जिसकी शिकायत करने पर भी प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें बहुत परेशान है, हमारे बालक गिरता रपट रपट के। खुद घास लाती है तो खुद घास लाता, खुद गिरता, खुद गिर जाती है। तो आपने इस मामले में प्रधान जी से शिकायत की है इसकी गंदगी को लेके, किस हमारी रास्ता डलवाओ? सब ठीक है कि ना सुनो क्योंकि मामला जो ये कोई ना सुन के दे रहा हो, रास्ता साफ नहीं कर रहा कोई, नहीं तो खरंजा डरवा रहा हो ना कोई मट्टी डरवान खुरा दी। तो आपने इसके बारे में ग्राम प्रधान से शिकायत की इस मामले में? प्रधान से तो बहुत देर करी है। सचिव से? सचिव ना मिलो हमें, ना हम जानते उन्हें कौन है। तो आपने ब्लॉक में या उच्च अधिकारी से शिकायत की है? अधिकारी फिरकारी से हमने कागज ना करी है, वैसे कह रहे प्रधान से करिए बहुत देरी। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने ऐसा करवाएंगे नो ना खेत का डरवाजे सोना कर रहे भाई। मुझे 50 साल हो गई है आते हुए और रास्ता कोई सुन के नहीं दे रही है, प्रधान से बहुत देरी की है हमने। प्रधान जी ने क्या कहा है? प्रधान जी ये कह देते हैं कि करवाएंगे अब भी प्रधान हो गए, दूसरे भी प्रधान हो चुके, ये करियारा सही नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा जो नहीं है रास्ता या रास्ता तो सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम भी हमारे बच्चा भी। तो आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की इस बार मामले में? शिकायत गाँव के दो प्रधान है चुके, उन्होंने हमारी सुनते नहीं है हमारी गली के बारे में। वो कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में एक 16 वर्षीय बच्चा जियो केबल डालने के लिए बनाए गए गड्ढे में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन मंगाकर खुदाई शुरू की, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। मामले की सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। यहाँ पर जियो की केबल डालने का कार्य चल रहा था और जो केबल डाल रहा था तो जमीन धस गई है। बच्चा बगल में ही नल लगा हुआ था जिससे बोरवेल में गिर गया था और जिसको छिबरामऊ कोतवाली में सूचना दी गई। उसके उपरांत श्रीमान जयप्रकाश शर्मा जी का यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने प्रयास किया, जेसीबी मशीन बुलवाई और हम लोगों को सूचित किया। हम लोगों ने कुछ लोगों से कहा और जेसीबी के खुदवाने के बाद पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। खबर फरीदाबाद से, जहां भारी बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है, जिसके चलते शहरवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और 8 घंटे की बिजली कटौती के कारण नगरवासी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। साथ ही जल भराव पर नगर निगम के सभी दावों की पोल खुल गई। सुबह 11 बजे से बारिश शुरू हुई है जी। बारिश बंद ही नहीं हुई है, सारे रोड भरे हुए हैं, कॉलोनियाँ भरी हुई है, मतलब घरों में पानी पहुँचने का नंबर आ गया है और कंप्लेक्स वाले ने कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नगर निगम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। नगर निगम पूरी तरह फेल है और सुबह से लाइट भी नहीं है, जो बड़ी दिक्कतें हो रही है। पूरा फरीदाबाद जलमग्न हुआ पड़ा है। लगातार सुबह 11 बजे से बरसात हो रही है, अब तक भी जो कि बंद नहीं है और सड़कों पर पानी इतना भरा हुआ है कि पब्लिक को आने जाने में दिक्कत, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, पानी सीवरेज इतने फूले हैं। हमारे गोची का तालाब देखो बाहर पानी आ गया, उसका NHPC अंडरपास में देखो बसें फंस गई स्कूलों की, ओल्ड अंडरपास में देखो कितना पानी भरा हुआ है। नगर निगम कोई काम करके राजी नहीं है गवर्नमेंट। अमेठी में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिकाओं प्रतियोगिता कराई गई है। यहाँ प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमेठी जनपद के सभी 1995 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष के सभी 1,60,000 बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रोथ चार्ट के हिसाब से वजन किया गया और उनकी लंबाई मापी गई। स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन सारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम 5 साल तक के बच्चों का वजन कर रहे हैं और उनको ग्रोथ चार्ट के हिसाब से उनकी लंबाई भी नाप रहे हैं और ग्रोथ चार्ट के हिसाब से उनका हम श्रेणी निकाल रहे हैं कि बच्चा सामान्य में है कि कुपोषित है कि अतिकुपोषित है। इसके साथ ही जो भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें इसकी फीडिंग भी हो रही है। तो इस प्रकार से जनपद में 1,60,000 जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनका आज जो है
सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनका वजन किया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि तांत्रिक पर मेरठ की एक महिला ने 10 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। दरअसल तांत्रिक बेटा होने के लिए इलाज कराने का दावा करता था, इसके चलते महिला अपने पति के साथ तांत्रिक के पास गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा के साथ लव का मामला सामने आया है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के दौरान गैर समुदाय के युवक पर छात्रा के पिता ने लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा के पिता ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये छात्रा एक दिन से लापता है। ये मामला थाना ससनी गेट इलाके का है। SSP ने छात्रा को बरामदगी के लिए 4 टीमें गठित कर दी हैं। थाना ससनी गेट में मोहल्ला महेंद्र नगर में एक व्यक्ति द्वारा थाना ससनी गेट में उसकी बालिक लड़की को एक गैर समुदाय के लड़के द्वारा भला फुसला कर ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसपे अभियोग पंजीकृत करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर के शिकारपुर में नगर पालिका चेयरमैन से 5 लाख की रंगदारी की वसूली मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की रंगदारी में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम समेत अवैध तमंचे भी बरामद कर लिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व शिकारपुर चेयरमैन के पास एक फ़ोन आया था, जिसमें कि उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना शिकारपुर और SOG की टीम को लगाया गया था। इनके पास से कुछ अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं और वो मोबाइल फ़ोन जिससे कि रंगदारी मांगी गई थी और वो सिम कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए इन 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सीतापुर शहर के मुख्य मार्गों में बारिश के चलते जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कीचड़ में पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना पाकर खंड विकास अधिकारी ने धरना स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, तो वहीं नाराज ग्रामीणों ने समस्या के समाधान न होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही। चाला पूरे गाँव में हमारे भरा है, ये रोड ऊँची होना है और पूरे कस्बे में हमारे पूरा जल भराव है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये समस्या लेखापाली में सक्षम अधिकारी हमको दे आके जनता के सामने, उसके बाद में हम बात मानेंगे वरना नहीं बात मानेंगे। खबर देवरिया से है, जहां सेवा संस्था जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनके निवास की व्यवस्था करने का पूरा जिम्मा उठाती आ रही है। वहीं संस्था के प्रबंधक ने बताया कि हम लोग बीते कई सालों से जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहे हैं और कई असहाय गरीबों का विवाह भी कराया गया है। हमारी संस्था 2010 से है और बुजुर्गों के लिए जैसे ऐसी संस्था है या ऐसे भी कहीं हम मतलब पता चलता है कि जैसे बुजुर्ग हैं उनको जरूरत है तो हम लोग कुछ ना कुछ उनको सामान है या जो कुछ भी है हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहली बात रही सेवा करने की, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक माँ बाप की नहीं कई माँ बाप का जब आशीर्वाद मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा प्रयास ये रहता है कि सभी वृद्ध माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे रहें और उनके लिए जो भी सेवा हो हम जो है प्रयास करें कि उनको अच्छी से अच्छी और बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाएँ। 28 अगस्त 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था आपके देवरिया ज़िले में। खबर अलीगढ़ के थाना मंडराग क्षेत्र का है, जहां लगातार बारिश के चलते रजवाहा में पानी के तेज बहाव की वजह से रजवाहा कट गया, जिससे सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा धान व बाजरे की फसल जलमग्न हो गई। बता दें किसानों ने रजवाहा कट जाने की सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी और 2 दिन बीत जाने के बाद रजवाहा कटने से रोकने का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बाद मामले को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोई सुनवाई ना कर रो ना जे ही कर रो ना यही कर रो ना कोई कर रो, परसों तो कल तो कटो भाव है और जब पूरी भाटी गर्मी निकल गई जब तो बम्बा आया ना है
और परसों तो यहाँ परसों तो चल रहा है, सारी फसलें जलमग्न है गई, सब फसल डूब गई, डूब रही है, पूरे धान डूब गए। पब्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात है, परसों से बम्बारो और फसल डूबी पड़ी है, ना जी सुनना कोई सुनवाई कर रहा कोई, यहाँ पानी पानी दिख रहा, सब रेम देख लो वहाँ से वहाँ तक सारी फसल डूब गई, सब डूबे धान फान बाजा फाजरा सब डूबे पड़े। संभल में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जिसे कि धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम धनारी बालू शंकर पट्टी के सरकारी स्कूल का स्टाफ मंगलवार को छुट्टी होने पर कमरे में बंद करके चला गया था, लेकिन पहली कक्षा के एक छात्र कमरे में ही रह गई। पूरी रात बच्ची छटपटाती रही, लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। रात भर छात्रा के परिजन परेशान होते रहे, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। अगले दिन जब सुबह स्कूल खुला तब छात्रा कमरे में मिली, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। यहाँ मौके पर पहुँचे परिजन छात्रा को अपने साथ घर ले गए। शिक्षकों की लापरवाही के कारण गांव को लोगों में आक्रोश है। कल छुट्टी के बाद दो बजे छुट्टी होती है शायद, उस टाइम मेरी मम्मी पूछने आई थी, वो घर पर नहीं पहुँची थी तो पूछने आई थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है स्कूल में। फिर हम इधर उधर घूमने लगे, ढूंढने लगे जंगल वगैरह में, कहीं चली तो नहीं। फिर दोबारा मम्मी पूछने आई कि वो अब भी घर नहीं पहुंची है। फिर टीचर ने बोला कि यहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, बोलकर गेट बंद कर दिया स्कूल का। सुबह जब स्कूल खुला है 8 बजे तक, सुबह 8 बजे किसने बताया आपको बच्ची इसमें बंद है? बच्चों ने स्कूल खोला तो उन्होंने बताया। कार्रवाई होगी, अध्यापकों की लापरवाही। तो बच्ची को दवाई ववाई दिलवाई गई सर क्या? बच्ची ठीक है, मैंने बात कर ली। कोई स्वास्थ्य परीक्षण उसका कुछ नहीं? बच्चे बिल्कुल ठीक है। यूपी के हमीरपुर में बीते दिनों हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसे के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की जांच में पाया गया कि जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग के बेटे और नातियों ने मिलकर बुजुर्ग का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी और सड़क किनारे शव को फेंक कर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता कर बताया कि दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं तीसरे फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जनपद हमीरपुर में थाना चिकासी में 19 सितंबर को एक ये FIR पंजीकृत की गई, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गया प्रसाद है, उसके परिजनों ने बताया कि उसको रात को कुछ लोग उसके घर से ले गए और उसकी हत्या करके उसको सड़क पर मारकर फेंक दिया। उक्त के संबंध में पुलिस द्वारा तुरंत FIR पंजीकृत करते हुए इस मामले में पूछताछ की गई, तो उसमें ये निकल कर आया कि मृतक गया प्रसाद का बड़ा बेटा, इसका नाम चंद्रवान है, उससे उसका जमीन का विवाद था और इसी आपसी कलह को लेकर चंद्रभान ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर, जिनका नाम सचिन और रिंकू है, उनके साथ मिलकर इस मृतक की हत्या कर दी। महाराजगंज जिला महिला चिकित्सालय में संविदा पर तैनात एक महिला डॉक्टर का असलहा लिए एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। फोटो में महिला हाथ में बंदूक लिए निशाना लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं पुलिस वायरल हो रही तस्वीर की जांच कर रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए सदर कोतवाली को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिया है। मैनपुरी में लगातार बारिश के चलते जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र में एक मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिसके मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, साथ ही दो जानवर भी घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके के अलावा SDM और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। कल शाम को बारिश हो रही थी, दीवार गिरने के कारण मेरी माँ की मृत्यु। अच्छा, क्या उम्र थी तुम्हारी माँ की? उम्र लगभग 40 साल। अच्छा, ये जो ना जो दीवार गिरी है, क्या कच्ची थी? नहीं, पक्की दीवार थी। पक्की दीवार थी तो क्या वही उसी के सारे बैठी हुई थी क्या? नहीं, वहाँ पर वो भैंस गिर गई थी। अच्छा, दूध निकालनी थी भैंस का, तो भैंस भी घायल हो गई। और कितने लोग जख्मी? अकेली वही थी, छोटे भाई थी, भैंस से भैंस धो रही थी जी। दीवार गिरी, पानी बरसा हो तो दीवार गिरी तो वो ऑन टाइम खत्म हुई गई दीवार दब के जी, भैंस घायल हो गई, बाबू जिंदा घायल हुई। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, तहसील में लेखपाल SDM को सूचना दी, सब लोग पहुँच गए मौके पर जी।
हरदोई के शाहबाद कस्बे में टप्पेबाजों ने एक रिटायर्ड अध्यापक की जेब पर हाथ साफ कर दिया। रिटायर्ड अध्यापक की जेब काटकर 1,00,000 की टप्पेबाजी करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मुकदमा दर्ज कर टप्पेबाजों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। 1,00,000 रुपया पूरा निकाल लिया उन्होंने, तो बैंक से निकाल लेते। और कहाँ जा कहाँ रह रहे हो? घर पर, जैसे यहाँ रोका रखता रुकवाया वैसे वो भाग खड़े हुए और हमने इसे देव, देव के तो रिक्शे पे बैठे थे कि अलग से मोटरसाइकिल बैठ के उन्होंने बुलेट मारा? नहीं, रिक्शे बैठे थे। ये राम अवतार है, ये जंगलिया मोहल्ला शाहबाद के रहने वाले हैं। ये वहाँ पे आर्यावर ग्रामीण बैंक से 1,00,000 रुपये निकाले थे, ऑटो में बैठे और थोड़ी दूर ऑटो चलने के बाद एक सवारी और बैठ गई, थोड़ी दूर पे एक दूसरी सवारी बैठ गई, ये बीच में बैठे थे। जब ये उतरे तो इनके जेब कटी हुई थी, पैसा नहीं था। तो इस पे तलाश की जा रही है और जिन्होंने जेब काटा वो उतर के ऑटो से भाग गए हैं। CCTV फुटेज देखा जा रहा है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने फतेहपुर मार्ग पर स्थित मोबाइल शॉप से हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में है। बता दें कि जनपद में हो रही चोरी की घटना पर पुलिस अभी तक कोई ठोस कदम उठाते नहीं नजर आ रही है। सर, हम लोग कल शाम को अपना ताला वाला बंद करके घर के लिए निकल गए। सुबह में खबर आई सुरेश बाजू वाले बंद किया, बस मैं दुकान में चोरी हो गई, उधर से भक्ति आ रही था पूरा है सब। कैसे चोरी हुई है? चोरी कैसे हुई है? चोरी यहाँ से निकाल के किया। योगी सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इसी अभियान में के तहत पिछले 15 दिनों में शाहजहांपुर पुलिस ने लगभग 26 करोड़ रुपए का अफीम और चरस बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने कई तस्करों को भी पकड़कर जेल भेजा है। खास बात यह है कि तस्कर नेपाल से चरस लाकर यहां पर बेचा करते थे और झारखंड से अफीम की तस्करी कर आसपास के जिलों में सप्लाई किया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है इस वक्त कानून व्यवस्था की दृष्टि से कि जो नशे का कारोबार है पूरे प्रदेश में वो उस पर पूर्णतया अंकुश लगे, ताकि जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो इसकी चपेट में आकर अपना भविष्य बर्बाद न करें। इस संदर्भ में हमारे AD जोन महोदय और IG रेंज महोदय द्वारा भी बहुत अपने निकट पर्यवेक्षण में ये अभियान चलाया गया है। इसमें अब तक जनपद शाहजहांपुर से लगभग 22 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, करीब 8 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, 160 ग्राम स्मैक बरामद हुआ जो इसी पीरियड का है। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद में गुलदार के आतंक के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। साथ ही गुलदार के जाल में फंसते ही वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर उसे अपने स्थान ले गई। हरदोई के थाना अतरौली में एक ज्वेलरी की दुकान में से टप्पेबाजों ने 4,00,000 के जेवर चोरी कर लिए। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और टप्पेबाजों की खोज जारी कर दी है। वहीं दुकानदार ने बताया कि दो युवक जेवरात खरीदने के बहाने दुकान में आए थे और जेवरात देखने के बहाने सोने के जेवर से भरा बॉक्स छिपाकर मौके से फरार हो गए। वहीं इंस्पेक्टर ने कहा कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।